बहुत ही भारी है लगता है। बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं हमारे लिए। आजा आजा। मैंने पूरे सोलिया में अपने लिए एक ही चीज दी है, वो ये है। आज सुबह किसी को उठाने जाती थी ना, तो मैं ऐसे कहती थी, मामू को कहती थी इन्नू बाज कर दे, मैं तोड़ देनी। Assalamualaikum everyone, welcome to just another vlog of mine। आज का दिन मैं पूरा तकरीबन सोया रहा हूँ। इस वक्त रात के हो रहे हैं 3:15। मेरा प्लान बना है कि जरा नाश्ता वाश्ता करें, क्योंकि आज मामा और हिरा ने वापस आना है, तो फिर मैं रात के इस टाइम बाहर नहीं निकल सकता। जाऊंगा, जाके दोस्त को पिक करूंगा। दोस्त को पिक करने के बाद नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर मामा वगैरह ने भी आ जाना। उनकी फ्लाइट सियालकोट एयरपोर्ट पे उतरेगी, अभी वो लोग दुबई है, निकलते हैं। इससे पहले पाए खत्म हो जाए। लाहौर का मौसम इतना गर्म मजे का हुआ था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। रात में यहाँ पे नवंबर हो जाता है और दिन में यहाँ पे जून जुलाई हो जाती है। यार जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दो, और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो भैया आज दोस्त को उठा लिया उसके घर से, ये ऊपर बैठ के पबजी खेल रहा था, आधा घंटा यहाँ पे ऐसी जाया हो गया। चले क्या खाने जाना, भूख लगी है मुझे तो बहुत शदीद। पाए खाते हैं, काफी दिन हो गया पाए नहीं खाए, बाकी देसी नाश्ता किया भी बड़ा अरसा हो गया। ये मैकडॉनल्ड्स आई होप खा खा के ना दिमाग अब खराब हो चुका है। पाए खाने निकलते हैं, अंदरून वाली साइड पर जाएंगे ना, हम जाते हैं शादबाग। नाइस भाई, मन्नू से पाए नहीं मिला, तो अब हम लोग जा रहे हैं डिक्सन्स, क्योंकि कुछ शोरबा टाइप खाने को दिल था। यहाँ पे आज भी चने बने हुए हैं, मैं 3 दिन से लगातार चने खा रहा हूँ। अब आई डोंट नो डिक्सन्स खुला होता है कि नहीं। तो गाइस नाश्ता वगैरह किए बगैर मैं आकर सो गया था, लेकिन अब मामा और हीरा के आने में सिर्फ और सिर्फ रह गया 15 से 20 मिनट, तो मैं सो के उठ के आ गया। मैंने लेने थे फूल और मिठाई, क्योंकि वो लोग वापस आने लगे हैं। फूल वगैरह ले लिए, अब मिठाई लेते हैं जल्दी से। उनके आने में तो सिर्फ 10 से 12 मिनट रह गए। गुलाब जामुन और रसगुल्ले कर दो। मिठाई भी ले लिया, शुक्र है सारे काम जल्दी जल्दी हो गए हैं। आइडिया नहीं है, पता चले वो लोग पहुँच गए। चलो जी, वेलकम बैक, आ जाओ आ जाओ। उम्रा मुबारक, आजा आजा। थोड़ा इधर होना, एक सेकंड मुझे थंबनेल बनाने दो। चलो भाई सामान वगैरह उठा लें फौरन, मामा वगैरह आ गए। इतना भारी दे दे दे। कैसा रहा पहला उम्रा? बहुत अच्छा, लेकिन बहुत रेस्टलेस है। बहुत रेस्टलेस है, सही बात है यार। इनकी फ्लाइट सियालकोट की थी, अरे पहले दुबई में भी इनका स्टे था। फिर हम लोग उमरा करके आगे सोदिया से और की चीज आए ना आए, लेकिन अभी जमजम का ढेर सारा एक स्टॉक जरूर आता है। अभी जरा पैकिंग शैकिंग करेंगे, जो लोगों को बांटने इनको छोटी बॉटल्स में करेंगे। दिस विल बी रेडी टू गिफ्ट। बहुत ही भारी है लगता है, बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं हमारे लिए। मामा के बैग में मैंने सारा सामान डाला था, ये बैग इसलिए इतना भारी हुआ हुआ था। सर का क्या काम है, चॉकलेट का बस एक पैकेट दे दो, पूरा का पूरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये होटल से उठा रही है, होटल में साबुन ही नहीं था, ये मैंने मामा को गिफ्ट किया। मामा को ही सारी चीजें गिफ्ट किया, मामा हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आई। बस बच्चियों लड़कियों वाली चीजें मिलती है, बस लड़कियों को लड़कों के लिए सिर्फ टोपियां मिलती हैं। वो हो गई, इधर मैं दिखाती हूं। ये पहले मैं चेक करूंगा। ओह चुप करो, ओए इधर वापस दो नेहा, तुझे मैंने मना किया था ना, सही काम आ गया। अभी दूसरा बैग भी खुलना, उसके अंदर से भी सामान निकलेगा। मैं क्या करके आई हूं, ये किसके लिए, ये दिखाओ। मैंने पूरे सोलिया में अपने लिए एक ही चीज दी है, वो ये है। मुझे भी एकदम से लगा असली है, क्योंकि उसकी फिनिशिंग उस टाइप की बिल्कुल असली वाली है। अगर आगे से छुपा दो तो असली है। पूरी इतनी बड़ी दुकान के अंदर जाके ना मैंने सिर्फ ये खरीदा है, और मैं पूरे वहाँ पे हर किसी को, हर सुबह किसी को उठाने जाती थी ना, तो मैं ऐसे कहती थी, मामू को कहती थी इन्नू बाज कर दे, मैं तोड़ देनी। ये वाली मुझे दे दो, ये जिसके अंदर ढेर सारे फ्लेवर्स हैं। ऐसे अच्छी इसके अंदर लोटस वाली है, मेरी फेवरेट है। मेरे से पंगा ना लो इस टाइम पे, इसमें मेरा गिफ्ट है। मैं जिस भी मुल्क में जाती हूँ, जब भी जाती हूँ, तो मैं उसकी निशानी लेके आती हूँ। मैं बाकू गई, दुबई गई, वहाँ से बाकू से भी लेके आई थी, दुबई से भी लेके आई थी, और अब मैं खाना का बस माशाल्लाह। जिस भी कंट्री में जाती हूँ उसका सिंबल अपने पास रख के मुझे याद रहता है कि मैंने कहाँ कहाँ विजिट कर चुकी, बड़ा विजिट कर चुकी। अरे कितना खूबसूरत है, इसको किसी ऊंची जगह पे रख दो। इफ्रा इसको
लो भी मेरा गिफ्ट निकल आया फाइनली। ये मेरी, ये सैम की, ये हमजा की। लेकिन हम मुसलमान हो गए तो फिर हम शैतान कौन रहेगा। आपके गुलाम से आपके मुंह में डाइट, इसको मुंह के ऊपर मारने से आपके मुंह के ऊपर की लाना घट जाती है। आपके मार थोड़ी आज सबसे ज्यादा आप लोगों को जरूरत है। इस बैग में से निकल के इसमें आ जाओ। ये लो बैग अपना। आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर गिफ्ट्स लेकिन इतना कुछ निकला नहीं है। वही ले आते हैं, मुझे वो भी पसंद था जो पहनते हैं, क्या उसको कहते हैं। चलो नेक्स्ट से कोई मसला नहीं। अगले बैग में से सिर्फ और सिर्फ जायनमा से निकले हैं और परी के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह निकले हैं। वाह परी, इससे ज्यादा गिफ्ट्स है तुम्हारे यहाँ। तो भैया अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। मामा हीरा आ गए हैं घर पे, अभी सोने की तैयारी करते हैं। रात से सिर्फ दो ढाई घंटे सोए थे, दोपहर के बज रहे हैं डेढ़। जिसने अभी तक मुआज़ खान ब्लॉगिंग को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं और लाइक और कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।